हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले शोपी ऐप पे दोस्तों जो रिफंड आता है, जो बैंक अकाउंट में आता है उसके बारे में। दोस्तों ये सारे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों रिफंड के बारे में। दोस्तों शोपी ऐप पे जो रिफंड आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है और कितने दिन उसको आने में लग रहे हैं। तो दोस्तों इस पे ऊपर मैं वीडियो तो नहीं बनाने वाला था, पर दोस्तों आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो दोस्तों कि हमारा पेमेंट नहीं आया। तो दोस्तों उसके लिए आप सभी को बताऊंगा कितने दिन के अंदर आपका शोपी अकाउंट के अंदर पेमेंट आता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पेमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट रॉन्ग आ गया, आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप उसे रिटर्न की रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो रिटर्न की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद में आपको पार्सल जो डिलीवरी बॉय है उसे अपना पार्सल दे देना है। तो पार्सल देने के बाद में दोस्तों आपका जो रिफंड है वो वहां से अप्रूव हो जाएगा कि उन्होंने आपका पार्सल की जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद में 7 से 8 दिन भी हो सकते हैं दोस्तों, 7 से 8 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो पेमेंट लेने के लिए दोस्तों आपके जो शोपी अकाउंट वहां पर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट है वो ऐड करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कई ऐप में जो पेमेंट है वो कैश ही दे देते हैं, पर इसके अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा। तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करना, शोपी अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट जोड़ना बिल्कुल जरूरी है, तभी आपका पेमेंट आएगा। और बहुत से दोस्तों ये प्रॉब्लम सामने आ रही है कि वहाँ पे जो कंफर्मेशन हो जाता है, जो पेमेंट है वहाँ पे कंफर्मेशन दिखा देता है, पर आपके शोपी अकाउंट के अंदर आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म हो जाता है पर आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता। तो वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो 1 से 2 दिन लेट भी हो सकता है, या पहले आपके अकाउंट में आ गया हो बाद में वहाँ पे कंफर्म हो रहा हो। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों साइड पे कुछ, तो इनके बारे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पेमेंट 100% आएगा। अब आप कहोगे पेमेंट नहीं आ रहा, तो आपको मैं दिखा दूँ, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। मेरे दोस्तों 4 से 5 रिफंड आ चुके हैं दोस्तों, उसका पेमेंट भी मैंने ले लिया है और दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट जोड़ना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ भाई, आप अपना UPI अकाउंट भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी पेमेंट ले सकते हो, और इसके अलावा तो आपको और कहीं से भी पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर।